दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दिव्य मंदिर दर्शन पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अयोध्या की राम मंदिर की विशेषताओं के बारे में, जिसमें हम आपको राम मंदिर की 11 विशेषताएं बताने वाले हैं और यही 11 विशेषताएं राम मंदिर को हिंदुस्तान में मौजूद अन्य मंदिरों से अलग बनाता है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और इसकी खासियत के बारे में आपने खबरों में काफ़ी सुना भी होगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम जो विशेषताएं आपको बताने वाले हैं वो काफ़ी कम लोग जानते हैं। हम आपको बिल्कुल गहराई से एक एक विशेषता राम मंदिर के बारे में समझाने वाले हैं। बात करें सबसे पहली विशेषता की, तो वो है दोस्तों इसकी बनावट। राम मंदिर को दोस्तों परंपरागत नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर की लंबाई 380 फुट की है और इसकी चौड़ाई 250 फुट है। बात करें अगर मंदिर की ऊंचाई की, तो 161 फुट की मंदिर की ऊंचाई है, जिसमें 3 मंजिल बनाई गई है। राम मंदिर परिसर में 392 खंभे हैं और 44 द्वार बनाए गए हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम को बाल स्वरूप में दिखाया गया है और प्रथम मंजिल पर श्री राम दरबार बनाया गया है, जिसके लिए पूर्व दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर का कुल परिसर दोस्तों 70 एकड़ में फैला हुआ है और 70 एकड़ का 70% हमेशा हरा भरा रहेगा, यानी वहाँ गार्डन बनाया गया है जो कि साल के 365 दिन हरा भरा खिला रहेगा। राम मंदिर को बनाने में किसी भी तरह के लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है और ना ही धरती के ऊपर कोई कंक्रीट बिछाई गई है। राम मंदिर को दोस्तों 5 मंडपों में बांटा गया है, जिसके नाम कुछ इस प्रकार से हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर में मौजूद खंभों व दीवारों पर देवी देवता और पौराणिक कथाओं की मूर्तियाँ उखेरी गई हैं, जो मंदिर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही दोस्तों सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर दिव्यांगजन और वृद्धों के लिए मंदिर में एक रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था भी स्पेशली की गई है, ताकि किसी भी भक्त को यहाँ कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं दूसरी ओर मंदिर के समीप पुराने काल का सीता को विद्यमान रहेगा और मंदिर परिसर में मौजूद अन्य मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषादराज, माता शबरी, ऋषिपत्नी अहिल्या आदि को समर्पित रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आने वाले भक्तों के लिए एक फैसिलिटी सेंटर भी बनाया गया है, जिसकी क्षमता 25,000 की है, जहाँ पर सभी भक्तों को अपना सामान रखने के लिए लॉकर व डॉक्टर की सुविधा भी दी जाएगी। मंदिर परिसर में इसके अलावा शौचालय, वॉशरूम, ओपन डेस्क सुविधा भी मौजूद है। और इस मंदिर की सबसे अलग बात यह है दोस्तों कि इसे बनाने में पर्यावरण जन संरक्षण का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो कि आज के मॉडर्न समय के अनुसार काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये थी दोस्तों अयोध्या में मौजूद राम मंदिर की कुछ विशेषताएँ, जो कि उसको बाकी मंदिरों से अलग बनाती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर से मिलेंगे आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ।